मटन यखनी पुलाव। पूरी रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर @ZaiqaFoodRecipe शेफ जाफर, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए @ZaiqaFoodRecipe शेफ जाफर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शेफ जाफर और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जायका फूड रेसिपी में। और आज मैं बकरीद के मौके पर आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। इसके लिए लिया है मैंने मटन 500 ग्राम, साथ में 2 अनियन स्लाइस करके रखा है, साबुत लहसुन, हरी मिर्च काट के रखी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जो कि मैंने स्लाइस काट के रखा है, काली मिर्च साबुत, देसी घी और सीनामन स्टिक, दालचीनी, बड़ी इलायची ब्लैक कार्डिमम, छोटी इलायची ग्रीन कार्डिमम, सौंफ और सौंफ पाउडर, साथ में लिया है जावित्री, जायफल, लौंग, तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्च, शाही ज़ीरा जो कि यखनी पुलाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, शाही ज़ीरा, साबुत धनिया और स्टार फूल। सबसे पहले हम यखनी के लिए पोटली करेंगे। यखनी के लिए पोटली तैयार, जिसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, उसमें सबसे पहले डालेंगे प्याज जो कि मैंने स्लाइस करके रखी है, डालेंगे साबुत सौंफ, साबुत धनिया, तेज़पत्ता, दालचीनी, लहसुन, डालेंगे हरी इलायची, एक पीस डालेंगे जायफल, थोड़ा सा डालेंगे जावित्री, एक डालेंगे स्टार फूल और 2 पीस डालेंगे ब्लैक कार्डिमम। ये हमारा पोटली का सामान तैयार है, इसको बांधेंगे अच्छे से, उसके बाद चढ़ाएंगे यखनी। यखनी के लिए लिया है मैं पानी, इसमें सबसे पहले डालेंगे हम पोटली जो हमने बना के रखी है, और 2 से 3 पीस डालेंगे साबुत लाल मिर्च, और डालेंगे सॉल्ट, नमक ताकि मटन के अंदर तलक नमक का स्वाद आ जाए, और डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में अब डालेंगे मटन। इसको हम 40 से 50 मिनट में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी, 40 से 50 मिनट पकाएंगे, मटन हमारा 80% पक जाना चाहिए। यखनी में हमारा उबाल आना अच्छे से शुरू हो गया है, हम इसको और 30 से 35 मिनट पकाएंगे, 15 मिनट हो गए हैं, 30 से 35 मिनट में हमारा अच्छे से पक जाएगा। यखनी हमारी तैयार हो गई है, सबसे पहले हम इसमें जो पोटली डाली थी वो निकाल के आउट कर देंगे। आप चाहे तो इसको सुखा भी सकते हैं खोल के मसाले को। अब इसमें से निकालेंगे हम पीस, जो हमारे मटन के पीसेज हैं वो सारे निकाल के बाउल में रखेंगे। ज़बरदस्त यखनी का फ्लेवर आ रहा है, लाजवाब। ये हमने यखनी से मटन निकाल लिया है, जो पीसेस बचे हैं वो भी निकालेंगे, और यखनी का जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, उसी में हम राइस बनाएंगे। मटन हमारा निकल गया है और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी में राइस बनाएंगे इसको छानकर। और जो हमारा राइस हमने 1 घंटे पहले भिगो कर रखा था उसका पानी निकाल लेंगे और तैयार करेंगे तड़का बघार। अब बनाएंगे हम यखनी पुलाव का बघार, जिस सबसे पहले डालेंगे देसी घी, शाही ज़ीरा, थोड़े डालेंगे खड़े मसाले, हरी इलायची, काली इलायची, ब्लैक कार्डिमम, तेज़पत्ता, सीनामन स्टिक, लौंग, थोड़ा इनको चटकाएंगे। और अब डालेंगे हम प्याज, प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे।
प्याज को ब्राउन करना है अच्छे से। ओनियन पे हमारा हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है प्याज के ऊपर, इसको हम और अच्छे से ब्राउन करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन बारीक पिसा हुआ, अच्छे से भूनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छे से भुन चुका है और प्याज भी ब्राउन हो चुकी है। डालेंगे मटन, मटन के साथ डालेंगे सौंफ पाउडर 1/2 टीस्पून, डालेंगे ग्रीन चिली जो कि हमने काट कर रखी थी, अच्छे से मटन को भूनेंगे। एक बार ज़रूर बनाइए आप यखनी पुलाव इस रेसिपी से और हमें कमेंट्स करके बताइए कैसा बना, लाजवाब। मटन को हम अच्छे से भूनेंगे, प्याज और लहसुन जो कि हमने पेस्ट डाला था उसके साथ। जो राइस हमने 1 घंटे पहले भिगो के रखा था उसका निकालेंगे पानी, पूरा पानी निचोड़ कर डालेंगे चावल को। डालेंगे मटन के साथ राइस, अच्छे से मिक्स करेंगे मटन के साथ। डालेंगे यखनी का पानी, यखनी का पानी जो हमने डाला है वो राइस से 1 इंची ऊपर रखा है हमने, 1 इंच। और अब डालेंगे हम लेमन स्लाइस जो हमने काट कर रखा है, जो हमने नींबू डाला है वो इसलिए डाला है इससे हमारा राइस खिल जाएगा और यखनी पुलाव में नींबू डालते ही हैं। इसको हम थोड़ा तेज़ हीट पर पकाएंगे, इसका पानी सुखाएंगे। राइस को पकाने के लिए कभी भी 1 इंची पानी ऊपर होना चाहिए राइस से। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, लगभग 100 ml दूध हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे पुलाव का कलर जो है खिलकर आए ज़बरदस्त। मिक्स करेंगे अच्छे से,
करेंगे हम नमक टेस्ट। नमक हमेशा थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए जो राइस में नमक टेस्ट सही आए। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से। अभी हम पुलाव में लगाएंगे ऊपर से तड़का, जिसके लिए हमने देसी घी लिया है। देसी घी को अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे अनियन, अनियन को थोड़ा ब्राउन करेंगे। चावल का पानी हमारा पूरा सूख गया है, डालेंगे देसी घी और अनियन। अब इसमें लगाएंगे हम दम, लगाएंगे दम जिसको हमने एक ढक्कन पे कपड़ा बांध कर लगा रहे हैं। 10 मिनट के लिए हमने इसमें दम लगाया है, 10 मिनट बाद इसको हम खोलेंगे। राइस को खोलेंगे हम। वाह ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है। राइस कटर से काटेंगे। करेंगे सर्व पुलाव को। क्या ज़बरदस्त खुशबू है, राइस क्या खिल के आया है हमारा। लाजवाब। मटन यखनी पुलाव हमारा रेडी है, एक बार ट्राई कीजिए इस रेसिपी से और हमें कमेंट्स करके बताइए कैसा बना। और ऊपर से हम थोड़ा डालेंगे ब्राउन अनियन। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच।